बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ एशरे सेंट्रल पाकिस्तान चैप्टर का और पास्ट चेयरमैन पाकिस्तान एचवीसीआर सोसाइटी लाहौर चैप्टर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान एचवीसीआर सोसाइटी विद द सपोर्ट ऑफ एशरे सेंट्रल पाकिस्तान चैप्टर 29th पाकिस्तान एचवीसीआर इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनकार करने जा रही है और ये इवेंट होगा 23 मई से 25 मई तक और एक्सपो सेंटर लाहौर में इसका इनकार किया जा रहा है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इसमें शामिल हों। और बाकी इसके साथ जो दूसरा सेगमेंट होता है एक्सपो के साथ साथ, वो हमारा कॉन्फ्रेंस का होता है। कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है। कॉन्फ्रेंस में इस मरतबा आपके लिए एक मैं चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे तशरीफ़ ला रहे हैं कि इस मतबा हमने एकेडेमिया और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स उनको अपने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया है। इसके साथ साथ हमने पैनल डिस्कशंस भी रखी हैं जिसमें मेन हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक हमारा मेड इन पाकिस्तान का है चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड और दूसरा जो है वो हमारा है आर्किटेक्ट्स के साथ कि मेन आप चीज़ देखें तो जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं सारा कुछ हो रहा है उसमें उसकी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली और जो एचवीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम आपस में इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करके जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा समटाइम आप देखते हैं कि एनर्जी लॉसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम वो चाहते हैं कि ऐसी एक हम पैनल डिस्कशन रखें कि जो आर्किटेक्ट्स हैं जब वो बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो उनको भी उन चीज़ों का सबसे मालूम हो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से इनर्जी जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कॉस्ट प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। क्या आप इस इवेंट को मिस मत कीजिए, ज़रूर एक्सपो भी विज़िट कीजिए और कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।